मेरे पीछे सारा आप देख रहे हैं, ये किसी स्वर्ग आश्रम का नहीं है, बल्कि इस वक्त मैं नगर निगम मुख्यालय में यहाँ पर खड़ी हूँ और शव यात्रा यहाँ पर निकाली जा रही है। नगर निगम की शव यात्रा वार्ड नंबर 5 के लोग निकाल रहे हैं। क्यों आखिर एक आम आदमी इतना मजबूर हो जाता है कि वो कुछ करना चाहता है जो शायद वे कभी सपने में भी नहीं सोचता। जो नगर निगम की शव यात्रा में अर्थी को कांधा दे रहे हैं, इनसे मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी कि भैया बड़ा भारी काम होता है किसी की अर्थी को कंधा देना और आप नगर निगम की शव यात्रा निकाल रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं? मैडम, हम तकरीबन 4-5 साल से इतने परेशान हो चुके हैं जी। हमारे पर्वत कॉलोनी वार्ड नंबर 5 सीवर इतनी ओवरफ्लो है, सुबह स्कूल के बच्चे स्कूल जाते हैं, जब अभी परसों ही रात को 8 साल के बच्चे एक सीवर के जो ढक्कन होते हैं वो खुले हुए हैं, उसमें एक लड़की जाके गिर गया थी। अगर आस पड़ोस के अगर 7-8 लोग अगर वहाँ होते नहीं तो बहुत बुरी हालत हो जाती उस लड़की की। हमारी पार्षद साहिब है ललिता यादव जी, वो एडवोकेट भी हैं सेक्टर 12 कोर्ट में, उनसे इतनी बार हमने बात करी है लेकिन वो आश्वासन पे आश्वासन देती हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं। जी, सुनवाई नहीं होती। भैया आपका क्या नाम है? प्रवीण शर्मा। क्यों नहीं सुनवाई करते? पार्षद ने तो आपने चुना था कि वो आपकी जन समस्याओं का हल करवाए। कभी पार्षद से जाके आपने अपनी बात कही? कई बार कही है पर वही आश्वासन देते हैं, उसके सिवा कुछ नहीं। चलिए देखिए, मैं कैमरे की नज़र से आपको ये जो बैनर है इस पर इनकी तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगी कि सीवरेज का पानी किस तरह से लोगों के घरों के आगे ओवरफ्लो हो रहा है। साथ ही आप देखेंगे कि गलियों की स्थिति क्या है, यहाँ से वाहन गुजरना तो दूर, जिस तरह से यहाँ पर सीवरेज का पानी पूरा ओवरफ्लो है, पैदल निकलना भी लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। और भी यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। भैया क्या नाम है? कौन आपके विधायक कौन है? नीरज शर्मा। तो विधायक, पार्षद ने नहीं सुना तो क्या विधायक से नहीं अपनी बात रखी? विधायक जी के घर के आगे खुद वही हाल है जी, कौन सुनेगा हमारे। अच्छा, हमसे अपने घर के सामने की सफाई नहीं हो रही, वार्ड के तो कॉलोनी की तो बात की बात। देखिए बड़ा सवाल है, जनप्रतिनिधि विधायक कड़ी होती है, पार्षद के बाद विधायक, और जैसा लोगों का कहना है कि विधायक अपने घर के सामने जो सीवरेज की समस्या है उसका समाधान नहीं करवा पा रहे हैं। क्या नाम है भैया? नितिन कुमार। क्या लगता है आपको कि विधायक के सामने, जैसे इन्होंने बोला कि सीवरेज का पानी खड़ा है, वो समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, पार्षद नहीं सुन रहे हैं, लेकिन जो नेता हैं मंत्री हैं वो तो हर बार तो यही कहते हैं कि अभूतपूर्व विकास कार्य हो रहे हैं। देखिए जी, वार्ड नंबर जो 5 है आप उसका मुआयना कीजिए जी। सीवर ओवरफ्लो है, पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं है, सड़कें खुदी पड़ी हैं, किस बात के विकास कर रहे हैं? सिर्फ झूठा आश्वासन है। किस बात की? स्मार्ट सिटी के तहत हमारा स्मार्ट सिटी बोलते हैं, स्मार्ट सिटी है और बहुत ही ज़्यादा हमें तो आक्रोश है और नगर निगम मर चुका है, इसलिए हम आज सब यात्रा निकाल रहे हैं। देखिए बहुत ही गंभीर बात कही है कि जो नगर निगम की कार्यशैली है, लोगों को ये अनुभव ही नहीं होता है कि कोई नगर निगम यहाँ पर ऐसे नाम की कोई संस्था है, जो सरकारी संस्था जो लोगों की समस्याओं के लिए बैठी है, जिसके चलते यहाँ पर शव यात्रा निकाली गई है। भैया कहाँ से हैं? वार्ड नंबर 5 पर क्या कॉलोनी। धूप बड़ी तेज है और काफ़ी देर से आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, क्या किसी अधिकारी ने सुध नहीं ली? नगर निगम कमिश्नर ऑफिस के बाहर आप खड़े हैं, जॉइंट कमिश्नर का ऑफिस बराबर में है। हमने बहुत कहा लेकिन कोई भी अधिकारी बाहर नहीं आया मिलने के लिए, और ऐसी धूप है कि हम एक बार नहीं 100 बार आ चुके हैं यहाँ पे, ऐसी धूपें हमने बहुत खाई हैं लेकिन रिजल्ट 0 का 0 है। ये जो आप देख रहे हैं ये 24 घंटे का नज़ारा है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, लोग गिर रहे हैं मर रहे हैं, कोई कुछ नहीं है। लेकिन जो अधिकारी यहाँ एसी रूम में बैठे हैं वो कहे तो पब्लिक सर्वेंट जाते हैं और लेकिन आप नौकरों की तरह यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये कहने की बातें हैं, ये टीवी में बहुत अच्छी लगती हैं अधिकारी हैं, लेकिन ये अधिकारी केवल अपनी मौज लेने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, जनता से इनका कोई लेना देना नहीं है। दूर दूर तक इतने परेशान लोगों को देख के किसी ने ये भी नहीं पूछा भारा के भी कि क्या समस्या है, अंदर बुलाया गया वही झूठे आश्वासन दिए गए जो पहले हम एक्शन से किसी अधिकारी से मिले यहाँ पर अभी। हाँ जी, अंदर मिल के आए हमारे राम सिंह यादव और एक जना और गए थे, इनके अधिकारी बैठे लेकिन वही झूठा आश्वासन करवा देंगे। क्या आश्वासन दिया? कि मोटर लगा के पानी निकला देंगे लेकिन सीवर लाइन बिछाने का कोई प्रोग्राम नहीं है। तय समय दिया है? कोई तय समय नहीं दिया, ऐसे तय समय बहुत आए झूठे हैं। आज आप कल आप फिर हमारी गली में आ जाना, ये सेम नज़ारा आपको मिलेगा हर बार यही होता है। बाबा क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूप जी है। कोरोना के बीच में आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, काफी धूप है यहाँ पर। ये बताओ मरने को तो हम जबूंगा, पानी से मर रहे हैं, हमारे बालक मर रहे हैं, हम मर रहे हैं।
और पानी में कहा करें हमारे घर में पानी जा रहा हो मर मर के लेटरिन हथका गुणा में ऊपर गुआ लो पानी क्या करें क्या ना करें। लेकिन नगर निगम तो स्वच्छता में अपने आप को अव्वल मानता है कि हम बहुत सारा शहर हमारा साफ है। 8-9 महीना है क्या कछु नहीं करो, जो गलियों की धूप बनी है पानी बलियों की धूप बन रहे हैं कछु नहीं कर पाओगे। देखिए ये जो समस्या है ये उस वार्ड की है, उस विधानसभा क्षेत्र की है जहाँ से एक युवती ने मुख्यमंत्री के समक्ष गुहार लगाई थी कि मेरी डोली यहाँ से कैसे उठेगी। मुख्यमंत्री जी सीवरेज का पानी जो है इस कदर व्याप्त है पूरी गली में कि बारात के आने का जो है रास्ता नहीं है, और लगातार जो वार्ड 5 सहित जो NIT क्षेत्र के लोग हैं वो सीवरेज की समस्या से पानी की समस्या से जूझते आए हैं। नगर निगम को नरक निगम का टैग तो मिला ही हुआ है, लेकिन संवेदनहीनता की हद तब पार हो गई है जब लोगों को परेशान होकर इस तरह से नगर निगम की शव यात्रा निकालनी पड़ रही है। सरकार को ज़रूर सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि आम आदमी जब इतना आहत हो जाता है तो ही इतने संवेदनहीन तरीके अपनाता है अपने विरोध दर्ज करने का, अपनी बात कहने का। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार इस पर कोई संज्ञान लेती है या नहीं, और आखिर बाद में कभी और किसी बेटी को इस तरह से मुख्यमंत्री के समक्ष गुहार लगाने की ज़रूरत होती है या नहीं। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी TV।